सफलता की कुंजी है सही रणनीति। तो जुड़े हमारे साथ और बदलें अपनी नियति। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निकत परवीन खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस फर्स्ट एनालिसिस वीडियो लेक्चर ऑफ CGPSC मेंस प्रोग्राम लॉन्च बाय कंपटीशन कम्युनिटी। 21 फरवरी से 31 मई तक चलने वाले CGPSC मेंस प्रोग्राम की इस पूरी सीरीज में इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री के जितने एनालिसिस वीडियो हैं उन्हें मैं डील करूंगी। और सभी जानते हैं कि इस सीरीज़ में जो पहली कड़ी थी वो 21 फरवरी को अपलोड की गई थी डिस्कशन कम्युनिटी में क्वेश्चंस के तौर पर, टॉपिक के तौर पर। आप सभी जानते हैं कि 21 फरवरी को डिस्कशन कम्युनिटी पर पॉलिटी का एक टॉपिक क्रिएट किया गया था, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे उन्हें आंसर्स लिखने के लिए, और उन्हीं के ऊपर एनालिसिस वीडियो आज हम आपको डिस्कस करके डील करने वाले हैं। Is that clear? So before we move forward, अगर आप या आपके फ्रेंड्स अभी तक CGPSC के इस मेंस प्रोग्राम जो कंपटीशन कम्युनिटी ने लॉन्च किया है उसे नहीं जुड़े हैं तो फटाफट कंपटीशन कम्युनिटी की वेबसाइट पे जाकर इसे जुड़ें। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इस पे कैसे पार्टिसिपेट करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसके शेड्यूल क्या है, ये इससे जुड़ी कोई और जानकारी आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ इस प्रोग्राम के बारे में जारी किए गए हैं यूट्यूब पर, आप उसे जाकर विजिट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक लिंक भी दी गई है जिसमें आपको CGPSC मेंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से रिलेटेड और भी कुछ जो जानकारियां हैं वो साझा की गई हैं, आप वहां पे जाकर उसे देख सकते हैं। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट अस मूव ऑन टुडेज एनालिसिस वीडियो। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी वीडियोस इस प्रोग्राम के तहत हम यहां डील करने वाले हैं, इसका जो उद्देश्य है वो आपको उस टॉपिक को पढ़ाना नहीं है, बिकॉज हमने पहले ही अपने मोबाइल कोर्सेज के जरिए और प्रिलिम्स में FTR के जरिए कुछ टॉपिक्स को डिटेल में डील कर चुके हैं। यहां पर यह पॉसिबल भी नहीं होगा कि हम आपको हर तरह के क्वेश्चंस लिख कर बताएं या हर टॉपिक को पूरी तरह से डिटेल में डील करके बताएं। इस पूरे वीडियो सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव है आपको हर तरह के क्वेश्चंस के ऊपर एक आउटर स्केलेटन तैयार करके देना, आपको ये बताना कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। यहाँ जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, अगर आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस क्रिएट हुए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि उतने ही क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, वो एग्जाम्पल्स हैं। रही बात समझ में कि हम उन टॉपिक्स पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उसमें आंसर्स लिखिए और इस एनालिसिस वीडियो में हम बताएंगे कि जो क्वेश्चंस दिए गए उन्हें कैसे लिखना था और साथ ही साथ इसके अलावा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है या उस टॉपिक में से उस पर्टिकुलर मार्क्स से और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये एक तरह के गाइडलाइन सीरीज है, आप कह सकते हैं। ये कोई पर्टिकुलरली कंटेंट को समझाने वाली सीरीज नहीं है। जाहिर सी बात है, जब हम कोई एग्जाम्पल को समझा रहे होंगे तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन फॉर टॉपिक तो आएगा ही, बट यहाँ पे आपको मेनली हमारा मोटिव है कि मेंस में आंसर्स कैसे लिखना है, हर मार्क्स के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कंटेंट इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है, उस पर हम जो है लाइट थ्रो कर सके। इज दैट क्लियर? सो मेरे स्टार्टिंग के जो चार वीडियोस होंगे वो पॉलिटी टॉपिक से रिलेटेड हैं। पॉलिटी आप सभी जानते हैं कि जो आपका पेपर 3 है मेंस में, उसमें जो पार्ट 2 है, जो भाग 2 है, उसका एक टॉपिक है। दरअसल पेपर 3 के भाग 2 में दो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, एक राजव्यवस्था और एक लोक प्रशासन, मतलब कि पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिसमें से जो फर्स्ट हाफ है आपका पॉलिटी, उससे रिलेटेड हमने यहाँ चार वीडियोस बनाने की कोशिश की है। जितने भी टॉपिक्स आपके उस सिलेबस में है मेंस के पार्ट 2 में, उसे मैंने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जिस तरह से आपने देखा कि जो पहला टॉपिक क्रिएट किया गया था उसमें संविधान का निर्माण, उसकी विशेषताएं और प्रस्तावना, इस तरह से टॉपिक क्रिएट किया गया। ये जो टॉपिक है, आप अगर मेंस का सिलेबस देखेंगे तो ये शुरुआती टॉपिक है और इसी में से मैंने एक 2 मार्क्स के, एक 4 मार्क्स के, एक 8 मार्क्स के और एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन को निकाल कर आपके सामने रखा ताकि सारे टॉपिक जो है वो कवर हो सके। ठीक ऐसे ही बाकी की जो 3 वीडियोज़ होंगे उसमें कोशिश करेंगे कि बाकी की जितना भी आपके टॉपिक्स इसमें हैं उन सब को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिए जाएं और उसमें से एक एक क्वेश्चन हम एग्जांपल के तौर पर आपके सामने रखें और उस पर डिस्कशन करें। सो यहाँ पर हम छांट कर 3 या 4 नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर 4 या 5 वीडियोज़ है तो आपकी टोटल जो सिलेबस है उसको उन उतने हिस्सों में डिवाइड कर दें और हर एक टॉपिक से थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर आपके सामने रखी जा सके। Is that clear? तो फिलहाल अगर मैं अभी पॉलिटी की बात करूं तो इन 4 वीडियोस में पॉलिटी का जो पूरा मेंस का सिलेबस है उसके 4 हिस्से कर दिए गए, जिसमें से पहला हिस्सा अपलोड कर दिया गया और आपके काफी अच्छे इसमें रिस्पॉन्सेज भी आए हैं। सो
हम पॉलिटी के फर्स्ट टॉपिक और उससे जुड़े उन क्वेश्चंस पर जाएं उससे पहले, बिकॉज ये पहला ही वीडियो है आपकी इस मेंस की पूरी सीरीज का, तो मैं भी कुछ चीज़ें मेंस आंसर राइटिंग के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये आपको ज़रूर किसी न किसी तरह से बेनिफिट देगा जब आप आंसर्स लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ देखिए, पहले भी उत्तर लेखन शैली कैसी होनी चाहिए इस पर हमने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप उसे भी जाकर देखिएगा। आनंद सर ने, आकाश सर ने कुछ वीडियोस अपलोड किए, उसे भी जाकर देखिएगा। उन्हीं में की कुछ चीज़ें क्रक्स पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगी और कुछ चीज़ें जो मैं अपने से आपको बताना चाहती हूँ वो भी इसमें ज़रूरी है। ठीक, तो कुछ चीज़ें समझिए पहले, अब आप एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रीलिम्स में स्ट्रैटेजी अलग थी, मेंस में स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ों पर मैं हाईलाइट करूंगी, डिटेल नहीं जाऊंगी। पहली चीज़, आपने ये चीज़ देखी कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में और मेंस में कॉमन है। हाँ, मेंस में कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा ज़रूर हैं पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमन हैं। मैं यहाँ उन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ जो कॉमन है, बिकॉज जो एक्स्ट्रा है वो तो आपको नए सिरे से पढ़ना ही पड़ेगा मेंस ओरिएंटेड। पर जो कॉमन है, जैसे कि पॉलिटी है, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, जैसे कि ज्योग्राफी, जो कॉमन सब्जेक्ट जो प्री में भी आपने पढ़ा था, मेंस में भी पढ़ा था, उनमें फ़र्क क्या है जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे थे और जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं? तो फ़र्क ये है कि जब आप कोई सब्जेक्ट को प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो वो आप अपनी मेमोरी से रिलेटेड पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी सब्जेक्ट में आपकी मेमोरी का जो टेस्ट होता है वो प्रीलिम्स के ज़रिए होता है और उसी सब्जेक्ट में आपकी विजडम का जो टेस्ट होता है वो मेंस में होता है। मैंने क्या कहा? प्रीलिम्स इज़ अ टेस्ट ऑफ योर मेमोरी, आप कितना याद कर सकते हैं, एंड मेंस इज़ अ टेस्ट ऑफ योर विजडम, योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप किसी चीज़ को कितना समझ सकते हैं। आई बात समझ में कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं? प्रीलिम्स में आपको वैरायटी पर ध्यान देना है, आपको बहुत सारी चीज़ें, छोटी 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 चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें, फैक्ट्स जो हैं वो पढ़ने हैं, और वहीं मेंस में उसी चीज़ पर कंसेप्ट को समझना है। इट इज़ मेनली ओरिएंटेड ओवर अंडरस्टैंडिंग अ टॉपिक और प्रीलिम्स इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स नोइंग अ टॉपिक। यहाँ पे ऊपरी जानकारी, यहाँ पे डीप जानकारी, यहाँ पे मेमोरी, यहाँ पे विजडम, यहाँ पे याददाश्त का टेस्ट है, तो यहाँ पे आपकी समझ का टेस्ट है। आ रही बात समझ में? तो आपका मतलब, मेरा ये मतलब कहने का ये है कि जब आप मेंस के आंसर्स लिख रहे हैं और आप वो टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ये रखें कि आपको उसकी दिगर जानकारियां नहीं हासिल करनी, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे डिटेल में पढ़ना है। प्रीलिम्स में जहां वैरायटी इंपॉर्टेंट है, वहीं मेंस में आंसर्स लिखने के लिए किसी टॉपिक की डेप्थ इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि सिलेबस का ज़्यादा जो कवरेज है किसी भी उसमें, वो प्रीलिम्स में ज़्यादा है। मेंस में टॉपिक्स कम कर दिए जाते हैं लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसे डिटेल में पढ़ें, समझें। इज दैट क्लियर? तो ये पहली चीज़ थी, इधर मेमोरी यानी याददाश्त और मेंस के लिए अंडरस्टैंडिंग, विजडम, समझ इंपॉर्टेंट है किसी टॉपिक की। ठीक, दूसरी चीज़ के बारे में, या दूसरा जो की पॉइंट मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बताना चाहती हूँ, उसके बारे में पहले भी आकाश सर का एक वीडियो अपलोड हुआ है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहती हूँ कि आपकी आंसर राइटिंग के तीन मेन पिलर्स हैं। एक है कंटेंट, दूसरा है लैंग्वेज और तीसरा है आपका प्रेजेंटेशन। ठीक, कंटेंट, लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन। ठीक, ये आपका एक आंसर का कंप्लीट तीन ऐसे पैमाने हैं जिस पर आपके आंसर को इवेल्युएट किया जाता है। कंटेंट जो होता है ये आपकी नॉलेज को प्रतिबिंबित करता है, मतलब कि रिफ्लेक्ट करता है। लैंग्वेज जो होती है वो आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है, और जो प्रेजेंटेशन होता है वो आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाती है। याद रखिएगा, ये तीनों पैमानों का उद्देश्य अलग है। ठीक, कंटेंट बताता है कि आप कितना जानते हैं, आपकी नॉलेज। लैंग्वेज बताती है कि आपका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, जो बोलने का तरीका है, किसी चीज़ को बताने का तरीका है, वो कैसा है। भाषा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और तीसरी चीज़ प्रेजेंटेशन जो है ये आपकी क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो तीनों ही चीज़ों पर ध्यान दें। हाँ, ये बात अलग है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है या क्वेश्चन पे जो मार्क्स आते हैं, अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन में
इनमें अलग अलग वेटेज होता है। जैसे जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसमें कंटेंट का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनमें प्रेजेंटेशन का रोल इंपॉर्टेंट होता है, और जो मीडियम क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये तीनों का बैलेंस, उसमें आपका कंटेंट भी होना चाहिए, लैंग्वेज पर भी इवेल्युएट होगा वो आंसर, और प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। पर छोटे क्वेश्चन जैसे 2 या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कंटेंट इज़ द किंग। इसका मतलब ये है कि आपके प्रेजेंटेशन लैंग्वेज पर उसका उतना लेना देना नहीं है, आपने सही सधा हुआ आंसर लिखा है, जो पूछना चाह रहे डायरेक्ट आपने उस पर वार किया है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप वही मान लीजिए आप 8 मार्क्स के 100 वर्ड्स के आंसर्स लिख रहे हैं, तो वहाँ पे ये तीनों ही चीज़ों का बैलेंस करना पड़ेगा, तीनों में आंसर्स आपकी इवेलुएट किए जाएंगे। और जब आप 125 वर्ड्स या 175 वर्ड्स के आंसर्स लिख रहे हैं तो कंटेंट से ज़्यादा जो है वो प्रेजेंटेशन पर आपको एज मिलेगा दूसरों से। अरे बात समझ में, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ लिखने का होता है, तो कहीं ना कहीं 2-4 अच्छी इन्फॉर्मेशन हर कोई लिख देता है, पर आपने किस तरह से अलग तरीके से उसे लिखा है, प्रेजेंटेशन में क्या नयापन है, क्या क्रिएटिविटी है, उस पर ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह के आंसर्स आप लिख रहे हैं। इज इट क्लियर? बात यहाँ पे खासतौर पर प्रेजेंटेशन की अगर हम देखें, तो याद रखिएगा कई लोग इस माइंडसेट के रहते हैं कि यूपीएससी में जिस तरह से पैराग्राफ से रिलेटेड ही आंसर्स लिखे जाते हैं, पैराग्राफ में आंसर्स लिखे जाते हैं, वैसे हमको इसमें लिखना है। ये ऐसा नहीं है। हम स्कूल लेवल पर जिस तरह से पॉइंट्स में, सब हेडिंग्स में अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा करते थे, वैसा नहीं लिखना है। कई लोगों का ऐसा परसेप्शन होता है क्योंकि यूपीएससी में जनरली इस तरह से नहीं लिखा जाता, पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भ्रम तोड़ना चाहती हूँ, याद रखिए कि सीजीपीएससी में पैराग्राफ्स के साथ साथ पॉइंट्स पे सब हेडिंग्स डालकर, अंडरलाइन करके, इन्वर्टेड कॉमर्स में डालकर, बोल्ड इटैलिक करके, किस भी तरह से अगर आप लिखना चाहें अपने प्रेजेंटेशन को, तो वैसा कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यही सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी की जाती हैं और इस पर आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, जनरल पैराग्राफ राइटिंग से ज़्यादा अगर आप पॉइंट्स, सब हेडिंग्स, अंडरलाइनिंग, हाईलाइटिंग कर रहे हैं तो उस पर मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं आपको। और अगर आपको क्रिएटिव बनाना है तो आप डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या कुछ इस तरह से बनाएं कि आपका प्रेजेंटेशन कैची हो। याद रखिए कि यहाँ पर डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है, यू नीड टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर कैची। चाहे वो वर्ड्स कुछ ऐसे इस्तेमाल करें, अंडरलाइन करें या डायग्राम्स बने, आपको कैची करना है अपने प्रेजेंटेशन को। इज दैट क्लियर? ठीक, तो पैराग्राफ ही एक तरीका है, वो यूपीएससी में है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि सीजीपीएससी में आप सारी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी वहाँ पे दिखा सकते हैं। क्रिएटिविटी एक हद तक होनी चाहिए और एक सिंगल पेन का इस्तेमाल करेंगे अपने प्रेजेंटेशन में। इज इट क्लियर? तो ये दूसरा पॉइंट था, मैं एलेबोरेट और नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले भी वीडियो में इसके बारे में बताया जा चुका है। तीसरी चीज़ जो मैं डायरेक्ट आऊँगी, ये मैं सीधा सीधा क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बदले नए पैटर्न के हिसाब से अब जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में, उसमें आपके जो पेपर हैं, पेपर 3 से पेपर 7 तक के, इसमें 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पहले 5 पार्ट्स हुआ करते, तो इन तीनों पार्ट से एक्चुअली ये 5 तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के। ठीक है, मैं ये डिटेल नहीं जाऊंगी कि किसे कितने आ रहे हैं, वो बाद में आप देखिएगा, पर कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, देखो स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में कुछ चीज़ें रखनी है। पहले तो आप ये जानें कि इन तीनों पार्ट्स में पहले जैसा हुआ करता था कि अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ रहा है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहा है या आगे के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो ऐसा होता था कि टोटल क्वेश्चंस के जो मार्क्स होते थे वो बराबर होते थे। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलाकर 40 मार्क्स, फिर उसके बाद फिर 40 मार्क्स, तो 200 मार्क्स को 40 40 40 के 5 फेजेस में, कोई 2 मार्कर, कोई 4 मार्कर, कोई 8 मार्कर, कोई 10 मार्कर, ऐसा करके 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता था। मतलब टोटल 2 मार्क्स के आंसर्स विल गिव यू 40 मार्क्स, और आखिरी में एक 40 मार्क्स का भी रहता था, उसके पहले 20 20 के दो रहते थे, कुल मिला के 5 हिस्से जिसमें 40 40 बराबर से डिस्ट्रीब्यूट, पर ऐसा अभी नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि 2 मार्क्स की अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो 2 मार्क्स के टोटल जो मार्क्स होंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 3 बार उसमें बाद में पूछ रहा है, तो यहाँ पे 8 6 8, 8 क्वेश्चन पार्ट 1 से पूछेगा, 6 क्वेश्चन पार्ट 2 से पूछेगा, 8 क्वेश्चन जो है वो पार्ट 3 से पूछेगा, और इस तरह से देखेंगे तो 2 मार्क्स से 44 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। अगर आप इस तरह से 4 मार्क्स में देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन अलग है और वहाँ पे 44 नहीं होता, वहाँ पे 52 होता है, ठीक है। और अगर आप 8 मार्क्स से क्वेश्चंस देखेंगे तो यहाँ पे 64 होता है, मतलब 2 मार्क्स के कुल 44 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा, 4 मार्क्स के 52 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा, 8 मार्क्स का आपका 64 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा, 10 मार्क्स का एक 10 मार्क्स का, और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछने वाला है तो 30 मार्क्स का, इस तरह से 200। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर 2, 4, 8, 10, 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसमें बराबर मार्क्स नहीं है, अलग अलग है, पहले तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ जो आपको आगे ध्यान में रखनी है वो इनसे रिलेटेड आंसर्स कैसे लिखना है, इनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर्स कैसे लिखने हैं उससे रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 और 4 मार्क्स के जो आंसर्स हैं वो सीधा सीधा फैक्चुअल होने चाहिए। 2 मार्क्स के ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो व्हाट व्हेन वेयर वाले फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कब कहाँ कैसे, सीधा सीधा नॉलेज जो आपको है डायरेक्ट लिख दीजिए, उसको फैंसी बनाने की कोशिश ना करें और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, सदा वो आंसर लिखें, सिर्फ कंटेंट इज द किंग ओवर देयर। 4 मार्क्स में आपको उस मेन जो पूछा गया उसके साथ एक अलाइड इन्फॉर्मेशन ज़रूर जोड़नी चाहिए, ठीक है। जो कंटेंट पूछा गया उसके साथ साथ आपको अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है तो उसे ज़रूर जोड़ दें, वो 4 मार्क्स के आपके आंसर को फ्रेम कर देगा। उसके बाद आगे कोई भी टॉपिक में आप सबसे मेन जो आंसर्स बना कर रखेंगे वो 8 मार्क्स का आंसर बना करके रखेंगे, मतलब 100 वर्ड्स। एक जो चीज़ पहले से बदली है वो तो आप जानते ही हैं कि अब जो बड़े बड़े आंसर्स हैं वो नहीं हैं, कोई 250 वर्ड्स, कोई 500 वर्ड्स के आंसर्स आपको लिखने नहीं है, तो कोई भी टॉपिक को इतना बड़ा ना पढ़ें, इतना डिटेल ना पढ़ें, क्योंकि अब आपको इतने बड़े आंसर्स लिखने नहीं, हद से हद 175 है, उससे ज़्यादा नहीं। और जो इतने भी टॉपिक्स पे आप आंसर्स बना रहे हैं वो 175 125 पे भी ना बना कर रखें, आप मेनली उसे 100 वर्ड्स में बना कर रखें, 100 वर्ड्स जितने टॉपिक हैं आप 100 वर्ड्स का एक ज़रूर उसमें आंसर जो है वो बना कर रखें, और उस 100 वर्ड्स में प्योर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्योर इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगी आपको जो मैं अभी बताना चाह रही हूँ, अभी सिर्फ आउटलाइन समझें। 100 वर्ड्स में प्योर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक, मिनिमम 2, फिर 4, फिर 8 मार्क्स इन्फॉर्मेशन बेस्ड, ये 3 तरह के पैटर्न हुए। अब 100 वर्ड्स में प्योर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद जब आपको मान लीजिए वही क्वेश्चन जो आपने 100 वर्ड्स में कभी तैयार किया था वही क्वेश्चन आपको 125 वर्ड्स में पूछ देता है, तो उस इन्फॉर्मेशन में या तो एक इंट्रोडक्शन ऐड कर दीजिए या तो एक कंक्लूजन ऐड कर दीजिए, मतलब एक प्रस्तावना ऐड कर दीजिए या एक निष्कर्ष ऐड कर दीजिए 20-25 वर्ड्स का। आ रही बात समझ में? मतलब 100 वर्ड्स तक की आपको प्योर इन्फॉर्मेशन देनी है, उसी क्वेश्चन को अगर 125 में पूछ दिया तो दोनों में से कोई एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, या तो प्रस्तावना ऐड कर दीजिए या तो निष्कर्ष ऐड कर दीजिए। और अगर वही क्वेश्चन को आपको 175 वर्ड्स में दे देता है तो आप दोनों ऐड करिए, एक तरह का इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़े मार्क्स का है, तो आपको थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने आंसर को, तो एक इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, फिर मेन कंटेंट रखिए जो आपने 100 वर्ड्स में बनाया था, और फिर एक कंक्लूजन भी रखिए, तो निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन दोनों होगा 175 में, 125 में दोनों में से कोई एक डालिए, और जब आप उसी आपको 100 वर्ड्स में लिखना है तो मेनली कंटेंट ही आएगा, अनलेस एंड अनटिल वो डायरेक्टली पूछ रहा है कि क्रिटिकल एनालाइज, कमेंट, एग्जामिन, वो सारी चीज़ें बात की बात है। अगर वो डायरेक्ट एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट इस तरह से पूछ रहा है तो मैं ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ कंटेंट, यहाँ पे दोनों में से एक और यहाँ पे दोनों। इज दैट क्लियर? इसके बारे में कोई और डाउट है तो आप बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे पास थोड़ा सा वक्त लिमिटेड है इसलिए मैं आपकी जो स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी वो इतनी ही चीज़ें मैं बता पाई, ठीक है। कंटेंट, तीनों का बैलेंस, प्रेजेंटेशन, कंटेंट, तीनों का बैलेंस, प्रेजेंटेशन, इस पर ज़रूर ध्यान देंगे, ठीक। अब ये तीसरी चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी बिफोर मूविंग एग्जैक्टली टू द टॉपिक। चौथी चीज़ याद रखिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिवर्सली हर क्वेश्चन में ये काम आएंगी। चौथी चीज़ याद रखिए, जब आप बड़े क्वेश्चंस देखते हैं जैसे कि 8, 10 और 15 मार्क्स के, उसमें आप देखते होंगे कि डायरेक्ट पूछने की जगह पर कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, डिफाइन, डिस्कस, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, इलाबोरेट, कमेंट, एग्जामिन, सुना है, पढ़ा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दे देता है या क्वेश्चन पूछ देता है और आखिर में एक वर्ड जो है वो डाल देता है, डिस्कस करिए। आपको इन वर्ड्स में डिफरेंस पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली आपको उस टॉपिक से
क्या डील करने के लिए कह रहा है, सिर्फ डिस्क्राइब करने बोल रहा है कि अपना ओपिनियन देने बोल रहा है कि एनालाइज करने बोल रहा है कि क्या। तो कई लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको टॉपिक पता रहता है, इन्फॉर्मेशन जो है उसकी डाल देते हो, ये नहीं है। आपको जानना होगा कि वो एक्चुअली आपसे पूछना क्या चाहता है, तो समझें इस चीज़ को थोड़ा गौर से, ठीक है। ये बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उस पर आपने अक्सर देखे होंगे। तो देखिए, आपने देखा होगा सीधा लिखा रहता है आपके क्वेश्चन में, डिफाइन करें, परिभाषित करें, डिस्क्राइब करें, विवरण करें, एक्सप्लेन करें, एलैबोरेट, इलस्ट्रेट, इन सबका मतलब लिखा रहता है समझाएं, डिस्कस या विवेचना करें, कमेंट या टिप्पणी करें, एग्जामिन या परीक्षण करें, क्रिटिकली एनालाइज या एवेलुएट मतलब आलोचनात्मक मूल्यांकन करें आप। और आप इनमें नहीं समझ पाते कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसमें मैं फटाफट कुछ चीज़ें बताती हूँ, मैं डिटेल नहीं जाऊँगी। डिफाइन का मतलब एग्जैक्ट नॉलेज थ्रो करना है आपको, या मैं कहूँ आपको एक्चुअली में कोई चीज़ को परिभाषित करना है अपने शब्दों में, या किसी मान लीजिए किसी ने उसका परिभाषा दी हुई है तो उसके शब्दों में उसको परिभाषित करना, इधर उधर की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, इन्वर्टेड कॉमर्स में किसी की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दो, किसी की डायरेक्ट डेफिनेशन डाल दो, या आप एग्जैक्टली उसे जैसे डिफाइन कर सकते हैं वो आंसर आपको लिखना है, आगे पीछे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ठीक, डिफाइन। उसके बाद डिस्क्राइब, डेफिनेशन से थोड़ा ज़्यादा विवरण करें, थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो उसमें डाल सकते हैं। एक्सप्लेन, एलैबोरेट, इलस्ट्रेट का मतलब है वो जो चीज़ पूछा गया है उसकी और डिटेल में जाइए, याद रखना है एक एक स्टेप में फर्दर जा रही हूँ। डेफिनेशन का मतलब सिर्फ, ठीक, जैसे कि मतलब ये मान लीजिए डस्टर है, ठीक है, डिफाइंड डस्टर, तो आपने एक डस्टर का डेफिनेशन ले लिया, इट इज़ अ टूल टू रब द बोर्ड, सीधा डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद अगर बोल दिया डिस्क्राइब, सो आप थोड़ा सा एडिशनल उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड कर दीजिए, इट इज़ अ टूल टू रब द बोर्ड विच इज़ यूजुअली यूज इन ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड वेर एवर वाइट एंड ब्लैक बोर्ड्स आर यूज, कुछ भी एक्स्ट्रा डाल दो, समझ रहे चीज़ें। और एक्सप्लेन का मतलब है कि किससे बना हुआ है और इसके अलावा क्या क्या हम इस्तेमाल किया कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को होता ना कि थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करना रहता है आपको एक्सप्लेन इलस्ट्रेट में, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना है, डिफाइन में, डिस्क्राइब में, एक्सप्लेन में, एलैबोरेट, ठीक। यहाँ तक के तो ठीक है, आपको सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन थ्रो करनी, और यहाँ पे आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन समझाएं तक के थ्रो कर सकते हैं। इसके बाद डिस्कस, कमेंट, एग्जामिन, क्रिटिकल एनालिसिस, ये जो थोड़ा है इसमें ध्यान दें, यहाँ पे आपका जो ओपिनियन है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसे भी रखना है, ठीक, उसे भी रखना है। जैसे कि कमेंट जो होता है आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके बाद आपको बताना है कि ये जो चीज़ है अच्छी है, बुरी है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका लूप होल क्या है, इसमें कमियां क्या है, क्या सुधार होना चाहिए, ठीक। डिस्कशन भी एक तरह का रिटर्न डिबेट होता है, याद रखना मैं जो लाइन बोल रही हूँ, भी डिस्कशन इज़ अ रिटर्न डिबेट। जब लिखा रहता है विवेचना करें तो एक तरह का लिखित जो है ये डिबेट होता है, जिसमें आपको जो भी आपने टॉपिक को लिखा है उसके अच्छाइयाँ बुराइयाँ गिनानी है और इसमें कंक्लूड करना ना भूले, इसमें निष्कर्ष डालना ना भूले, जैसे कि डिबेट को हम कंक्लूड करते हैं। डिस्कस, क्या कहा मैंने, अच्छा, पूरा इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, बेनिफिट्स, लूपहोल्स जो भी हैं, प्रो अगेन, जिसे डिबेट में हम करते हैं, और आखिर में कंक्लूड ज़रूर करें। कमेंट में आपको कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, आपका अगर आंसर है मान लीजिए तीन उस समय में डिवाइड करते हो तो दो तिहाई आपकी इन्फॉर्मेशन होगी कमेंट में, और आखिरी में जो एक तिहाई हिस्सा है आपको अपना ओपिनियन डाल देना है बस उसमें, ठीक है। वो डायरेक्ट कंक्लूजन हो सकता है, आपको वहाँ पर बहस नहीं करनी अच्छा है बुरा है, डायरेक्ट कंक्लूजन डाल दो। डिस्कस में अच्छा बुरा भी बताना होगा और कंक्लूजन भी बुरा बताना होगा, ठीक है। कमेंट में दो तिहाई हिस्सा सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एक तिहाई हिस्सा आपका ओपिनियन। उसके बाद एग्जामिन और डिस्कस करीब करीब सेम है, परीक्षण करें भी करीब करीब सेम है, क्योंकि जब परीक्षण करते हैं तो अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू आते हैं आपके, तो इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसके बाद क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और निष्कर्ष। तो आप कह सकते हैं कि एकदम डिटेल में मैं नहीं जाऊँ, तो डिस्कस और एग्जामिन करीब करीब सेम है। उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज में खासतौर पर आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर लिखा रहता है तो वहाँ पर आपको उसके नेगेटिव्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ है जो है उसको तो आप बताएंगे, पर बताने से ज़्यादा आपको एक तरह की ओपन डिबेट पे आना है। मैं फिर से अगर दोहराऊँ तो समझिएगा, क्रिटिकली एनालाइज जब किसी आंसर को आप करते हैं तो अनलाइक दी अर्लियर थ्री आपको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं। जब आप कमेंट भी कर रहे हो तो आपको उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि जो पूछा गया वो क्या है, फिर कमेंट करोगे। डिस्कस और एग्जामिन भी करना है तो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, फिर आप एक डिस्कस एग्जामिन करोगे। जब क्रिटिकली एनालाइज करोगे तो जो पूछा गया है सीधा उसकी आलोचना करके उसका परीक्षण करना स्टार्ट कर दीजिए। उसे पता है ऑलरेडी कि आप उसकी सीधा क्रिटिकल एनालिसिस करने
करने वाले तो आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है, ठीक है। पूछेगा कि डस्टर का क्रिटिकल एनालिसिस करिए, तो आप ये नहीं बताएंगे कि डस्टर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आप सीधा आएंगे कि डस्टर की जगह पे बहुत सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, डस्टर की क्वालिटी जो है उसे सुधारना चाहिए, ठीक है। इट इज़ साउंडिंग वेरी चाइल्डिश, वेरी किडिश, आई नो, बट एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि अगर आपको डस्टर का क्रिटिकल एनालिसिस करने बोल रहा है तो आप डिफाइन नहीं करेंगे, आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि डस्टर क्या होता है, आप सीधा सीधा इसकी आलोचना करके उसे समराइज करेंगे। इज डेट क्लियर? ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है इसमें आपका ओपिनियन और ये जो पूरा पार्ट है आपका नॉलेज, ठीक। कमेंट जब करते हैं तो 2/3 हिस्सा नॉलेज, 1/3 हिस्सा आपका ओपिनियन। डिस्कस और एग्जामिन जो होता है उसमें जस्ट इसका रिवर्स होता है, 1/3 हिस्सा जो होता है वो आपका इन्फॉर्मेशन होता है और जो 2/3 हिस्सा होता है उसका परीक्षण होता है, अच्छा है बुरा है और कंक्लूजन। और क्रिटिकल एनालिसिस अगर आप देखें तो मैं इसको 4 हिस्सों में बांटूंगी, 1/4 हिस्सा हल्का सा इंट्रोड्यूस कर दिया और 3/4 हिस्सा जो है आपको पूरा इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक। एक बार रिपीट करके सुने कि मैंने क्या बोलना चाहा, उस फर्क को समझे और उस हिसाब से आंसर्स लिखे, यहीं पर आपके मार्क्स दूसरों से अलग हो सकते हैं, आपको पकड़ना है कि क्या पूछे, ठीक है। सो दीज वर द 3-4 थिंग्स आई वॉन्टेड टू डिस्कस बिफोर डीलिंग एग्जैक्टली विद द टॉपिक विच आई हैड डेल्ट अर्लियर। तो याद रखिए जो मैंने कहा कि दोनों में फ़र्क क्या है, फिर 2, 4, 8, 10, 15 मार्क्स में क्या आपको फ़र्क करना है, उसके अलावा की पॉइंट्स को क्या आपको ध्यान रखना है, कंटेंट, लैंग्वेज और जो आपका प्रेजेंटेशन है उस पर कैसे ध्यान देना है, और ख़ासतौर पर ये जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इन्हें कैसे डील करना है, इसे कैसे समझना है, ठीक है। बाकी बहुत सारे और की पॉइंट्स होते हैं, अगर आप चाहें तो बाद में हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, फिलहाल हम डायरेक्टली आ जाते हैं पॉलिटी पर। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि फिर से मैंने दोहरा रही हूँ इस चीज़ को कि पेपर 7 के पार्ट 2 में एक हिस्सा है पॉलिटी या राज्य व्यवस्था, और अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि पार्ट 2 जो है वो 200 मार्क्स में सिर्फ 50 मार्क्स का वेटेज रखता है, क्योंकि 2, 4 या 8 हर तरह के क्वेश्चन में पार्ट 2 के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। जैसे 2 मार्क्स में पार्ट 1 और पार्ट 3 में 8-8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो पार्ट 2 में 6, वैसे ही 4 मार्क्स में 4-4 तो इधर 3। अरे बात समझ में? तो कुल मिलाकर अगर आप पार्ट 2 के टोटल नंबर ऑफ मार्क्स देखेंगे तो वो 50 है, मतलब आउट ऑफ 200 भाग 1 और भाग 3 से 75 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे और भाग 2 जो है उससे 50 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो पॉलिटी से यानी भाग 2 से 50 का आधा यानी करीब करीब 25 मार्क्स से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन भी जुड़ा हुआ है, ठीक। सो ये ध्यान में रखें कि आपके पूरे पेपर में करीब करीब 25 से 30 मार्क्स जो हैं वो पॉलिटी आपको फेच करके देगा। इज दैट क्लियर? सो 21 फरवरी को डिस्कशन कम्युनिटी पर पॉलिटी का जो पहला टॉपिक अपलोड हुआ था वो आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, संविधान का निर्माण, विशेषताएं एवं प्रस्तावना। आप लोग में से कुछ लोगों का कहना था कि इसे इंग्लिश में भी अपलोड करना चाहिए, सो वी हैव डन दैट थिंग। आगे की जितने भी आपके टॉपिक्स अपलोड होंगे, क्वेश्चन अपलोड होंगे, वो बायलिंगुअल होंगे, दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगे, सो डू नॉट वरी फॉर दैट। तो आप देख सकते हैं कि संविधान का निर्माण, विशेषताएं, प्रस्तावना, मतलब कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर्स और प्रीएम्बल, ये टॉपिक आपके मेंस के सिलेबस का शुरुआती टॉपिक है और उस पर से एग्जांपल के तौर पर हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोशिश किया है हमने कि सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं क्वेश्चंस में। आप देख सकते हैं इसमें से मैंने 4 आपको क्वेश्चंस दिए हैं, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 10 मार्क्स। जाहिर सी बात है 15 मार्क्स का क्यों नहीं दिया, आप सभी ने पैटर्न देखा होगा कि 15 मार्क्स के क्वेश्चंस भाग 2 जो है मतलब पार्ट 2 जो है उससे नहीं आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है 125 वर्ड्स तक के इसमें आ सकते हैं, 175 वर्ड्स तक के क्वेश्चंस नहीं आते हैं पॉलिटी से, इसलिए 4 क्वेश्चंस क्रिएट किए गए, ठीक। तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं अब 2 मार्कर क्वेश्चन में। प्रस्तावना के कौन से शब्द भारत राज्य की प्रकृति को दर्शाते हैं, मतलब व्हाट ऑल आर द वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल व्हिच इंडिकेट टुवर्ड्स द नेचर ऑफ पॉलिटिकल स्टेट ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इसे बताते हैं। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि जो 2 मार्कर क्वेश्चन होता है वो डायरेक्टली आपकी नॉलेज को चेक करता है, तो यहाँ पे आपको बिना कोई लाग लपेट के सीधा सीधा उन शब्दों का उल्लेख करना है जो प्रस्तावना में है। आप सभी जानते हैं प्रस्तावना में 5 ऐसे वर्ड्स हैं, एक है आपका सॉवरेन यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर दूसरा है आपका समाजवादी यानी सोशलिस्ट, फिर है आपका सेक्युलर, फिर आपका डेमोक्रेटिक, फिर आपका रिपब्लिक, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 ऐसे शब्द हैं जिससे भारत राज्य की प्रकृति भी
मतलब आप कह सकते हैं भारत राज्य की प्रकृति को ये पांच शब्द दर्शाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आया था, थोड़ा सा विवादित है, ठीक है, तो उस पर हम बाद में आएंगे। बहरहाल ये पांच वर्ड्स आप बता देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा ओनली 30 वर्ड्स में। आपको इसके अलावा इनके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। उसके अलावा आप 4 वर्ड्स का 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन देख रहे हैं, हम बाकी चीज़ों पर भी आएंगे ना, पहले इनको डायरेक्टली डील करते हैं। 4 जो मार्क्स का क्वेश्चन है, संविधान निर्माण सभा के गठन को समझाएं। तो ये जो क्वेश्चन है देखो, ये 60 वर्ड्स में आया हुआ है। जब आप 60 वर्ड्स का आंसर लिखते हैं पैराग्राफ के हिसाब से, मैं आपको बता दूं, अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो, आप कोई अलग तरह का प्रेजेंटेशन नहीं रख रहे हो, तो 2 मार्कर में एक पैराग्राफ, 4 में कोशिश करें 2 पैराग्राफ, छोटे छोटे 2 पैराग्राफ में तोड़ दें। 8 मार्क्स में भी थोड़े बड़े 2 पैराग्राफ्स रखें, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है। आपको याद होगा यहाँ पर कुछ भी इंट्रोडक्शन का क्लूजन नहीं देना है, तो इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम 2 बड़े पैराग्राफ्स में। जब आप 10 मार्क्स में जाएंगे तो कोशिश करें 3 पैराग्राफ्स करें, 2 इन्फॉर्मेशन की, एक या तो इंट्रोडक्शन की या एक कंक्लूजन की, 3 पैराग्राफ्स। और जब कोई आप 15 मार्क्स का आंसर लिखते हैं तो उसको 4 पैराग्राफ में करने की कोशिश करें, एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, और बाकी के जो बीच के 2 पैराग्राफ्स हैं वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग के हिसाब से बता रहे हैं मैं, पॉइंट्स सब हेडिंग के हिसाब से नहीं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, संविधान निर्माण सभा के गठन को समझाएं, ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से है कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, संविधान निर्मात्री सभा बनाई गई थी, तो उसके गठन को बताने की बात की जा रही है। समझाएं लिखा है तो आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आप सभी जानते हैं कि 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 मेंबर्स जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे और 93 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट हुए थे। तो आपको इसकी शुरुआत ऐसी करनी है कि गठन बोला है ना, तो वहाँ पे आपको ये बताना है डायरेक्टली कि संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो गठन है वो एक तरह का मिश्रित गठन था, जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन का भी इस्तेमाल किया गया, कहने का मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन का भी इस्तेमाल किया गया, और साथ ही साथ नॉमिनेशन मतलब कि जो आपका नामांकन की जो प्रक्रिया है उसका भी इस्तेमाल किया गया। तो वो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी थे उसमें, और उसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स भी, तो गठन की जो प्रक्रिया है वो इन दोनों का सम्मिश्रण थी। वहाँ से आपको शुरू करना है, उसके बाद फिर आपको ये वाली चीज़ पर पहुँचना है कि उस संविधान निर्मात्री सभा में इन दोनों तरीकों से कुछ ऐसा किया गया था कि जहाँ जहाँ से निर्वाचित सदस्य आ रहे थे वहाँ से 10 लाख में एक सदस्य के हिसाब से सीट बनाई गई, और टोटल 389 मेंबर्स जो हैं वो चुन करके आए, जिसमें से 296 मेंबर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, और 93 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट हुए, यानी कि नामांकित हुए। ये जो हैं, ये आपके जो प्रिंसली जो आपके प्रेसिडेंसीज हैं, जो प्रांत हैं, ब्रिटिश प्रांत, वहाँ से आए थे और कमिश्नरी से आए थे, और जो 93 मेंबर्स हैं नॉमिनेट हुए थे देशी रियासतों से। इतने में आपको कंप्लीट कर देना है। आज समझ में आ रही है आपको क्या चीज़ है इसमें नेसेसरली इंक्लूड करना है 2 पैराग्राफ में करके, कि भाई अप्रत्यक्ष और नामांकित जो तरीका है दोनों का एक तरह का सम्मिश्रण था गठन की प्रक्रिया, और हर 10 लाख में प्रांतों से एक सीट बनाई गई थी, और इसमें कुल मिला के इतने लोग चुनकर आए, जिसमें से इतने अप्रत्यक्ष थे, इतने जो हैं वो नामांकित थे, ठीक है। इतनी चीज़ें आप अगर करेंगे तो काफ़ी रहेगा, ठीक है। इसका कोई क्रिटिसिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें और भी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 60 वर्ड्स में इतनी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप इसमें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास लाइनें कम पड़ रही हैं और आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, तो आप ये जोड़ सकते हैं कि इसमें जो प्रांतों में सीटों का आवंटन किया गया था वो 3 प्रमुख समुदायों के हिसाब से आवंटित की गई थी, मुस्लिम, सिख और सामान्य। उसके अलावा आप जोड़ सकते हैं कि इसमें कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें हासिल हुई थी। याद रहे जो चीज़ें मैंने पहले मिस की, सबसे पहले बात तो संविधान निर्मात्री सभा का गठन कब हुआ था, ठीक है, कौन से वर्ष में हुआ था, वो इंट्रोड्यूस करना ज़रूर, मतलब उसको भूल लेना, ठीक है। तो याद रखिए कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन 1946 में हुआ था, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा हुआ था, अप्रत्यक्ष और नामांकित का एक सम्मिश्रण था इसका गठन, उसमें इतने सदस्य थे, इतने अप्रत्यक्ष, इतने नामांकित थे। यहाँ तक अगर आपके पास लाइनें बच जाती हैं तो कितनी मुस्लिम लीग को सीटें मिली, कितनी कांग्रेस को सीटें मिली, और 3 कौन से समुदाय थे जिसके आधार पर सीटें आवंटित थी, इतनी चीज़ों में आप अपने आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी बातें जो हैं वो अप्रत्यक्ष और नामांकित शब्दों का सम्मिश्रण कब हुआ था, 1946 में हुआ था, और कितनी कितनी सीटों का बंटवारा था, ये जरूर से इसे जरूर डील करें। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका 4 मार्क्स का। उसके बाद आता है आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन।
ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका पर टिप्पणी करें, एक्चुअली यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स होना चाहिए था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर कमेंट करने बोला गया है। अब देखो टिप्पणी करें लिखा है, टिप्पणी करें में मैंने आपको क्या कहा था, एक तरह से इसमें आपको आंसर ऐसे प्रेजेंट करना है जिसमें दो तिहाई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और एक तिहाई आपका ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, दो तिहाई इन्फॉर्मेशन और एक तिहाई आपका ओपिनियन भी होना चाहिए, बिकॉज कमेंट करने बोला है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का ये स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह का संघीय यानी फेडरल कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से अमेरिका जो एक एब्सोल्यूट फेडरल कंट्री है, वहाँ पे तीनों ही जो अंग होते हैं प्रशासन के, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और विधायिका, तीनों बिल्कुल ही पृथक रहते हैं। इंडिया में आप देखते हैं कि उसमें से न्यायपालिका ही एक ऐसा अंग है जो पूरी तरह से पृथक है। तो एक तरह का संघीय ढांचे का एक कह सकते उदाहरण है भारत में। तो स्वतंत्र न्यायपालिका के तात्पर्य को पहले समझाएं कि ये एक संघीय फीचर है, एक फेडरल फीचर है। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब समझाएं कि स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये होता है कि जो न्यायपालिका है उसमें व्यवस्थापिका और विधायिका, कहने का मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, आप एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं कि एक सेशन कोर्ट का जज अगर कोई फैसला सुनाता है तो उसके फैसले को बदलने या उसमें हस्तक्षेप करने की ताकत भारत के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर है और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। तो न्यायपालिका के गठन, संगठन, प्रक्रिया या न्याय संबंधी सभी चीज़ों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है बाकी के दो अंगों का। बस यही चीज़ पर आपको फोकस करना है और आप इसको कुछ संवैधानिक प्रावधानों से भी समझा सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इसे समझाएं, देखो 100 वर्ड्स में लिखना है, पहले तो इसे समझाएं, कुछ आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके मूल डेरिवेशन से कि कहाँ से लिया गया है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो एक तिहाई इसका हिस्सा है टिप्पणी करें, उस पर आपको थोड़ा सा कमेंट करके बताना है कि क्या स्वतंत्रता न्यायपालिका की जो लिखी गई है वो वाकई में है। तो वहाँ पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि भले ही स्वतंत्रता रखी गई है न्यायपालिका की, लेकिन न्यायपालिका जो है वो अपनी सभी शक्तियाँ संविधान से डिराइव करती है और संविधान को संशोधित करने का जो अधिकार है वो तो संसद के पास है। अरे बस समझ में, संविधान में लिखी कोई भी चीज़ को बदलने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद जो कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो चाहे तो न्यायपालिका की पूरी संरचना या प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन संविधान में कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही न्यायपालिका की बागडोर जो है वो किसके पास है? संसद के पास है। तो यहाँ पर हस्तक्षेप होता है। तो आप ये टिप्पणी कर सकते हैं कि भले ही स्वतंत्रता बताई गई है, लेकिन पूरी पूर्ण तरह से स्वतंत्रता नहीं है। अनौपचारिक चीज़ों का आप जिक्र ना करें कि भले ही गठन में, संगठन में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का कोई इंटरफेरेंस ले, लेकिन तब भी देखा जाता है कि ऐसा होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये तो हम जानते हैं कि ऐसा होता है कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन संवैधानिक तरीके से भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के जरिए अमेंडमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट कर सकते हो, पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी का भी अमेंडमेंट कर सकती है। तो यहाँ पर आपको हस्तक्षेप देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्टा भी मतलब होता है कि न्यायपालिका भी बाकी के दोनों अंगों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म हम देखते हैं, मतलब न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा हम देखते हैं, उसके जरिए हम देख रहे हैं कि ये स्वतंत्र न्यायपालिका जो वाइस वर्सा उनमें भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इन दोनों टूल्स के जरिए उनमें ये हस्तक्षेप करती दिख रही है। अरे बस समझ में, तो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल इंटरफियरेंस हो रहा है डिस्पाइट द फैक्ट द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। तो आप इस तरह से इसको टिप्पणी में लिख सकते हैं, इसमें जो भी पॉइंट आप चाहें इंक्लूड करें, पहला वाला पॉइंट ज़्यादा सही। इज दैट क्लियर? ठीक, तो दो तिहाई इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एक तिहाई आपकी टिप्पणी आ जाएगी। ठीक, उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आपका था, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, 125 वर्ड्स का आपको इसमें आंसर लिखना था, भारत के संघीय ढांचे का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको संघीय ढांचे का विवरण थोड़ा सा देना है और बाकी पूरा इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक अर्धसंघात्मक ढांचा है, पर उसको एकदम से स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस मत करो, इतना बोलना कि भारत संघात्मक ढांचा है क्योंकि यहाँ पर एक लिखित संविधान है, एक कठोर संविधान है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहाँ पे ड्यूअल गवर्नेंस है, उसके अलावा यहाँ पे शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्यों के बीच में। हम सभी जानते हैं ना इसकी संघीय विशेषताएं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जो है आपका
जुडिशरी है यहाँ पे, उसके अलावा डुअल टाइप का गवर्नेंस है, द्वैध राज पद्धति है, उसके अलावा डिवीजन ऑफ पावर है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है, उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड संविधान की सर्वोच्चता है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके फेडरल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पर इसको एकदम ज़्यादा स्पेस देकर लिखना नहीं है आपको, क्योंकि फेडरल फीचर पूछा नहीं है, आपको थोड़ा सा बताना है कि हाँ मुझे पता है कि फेडरल है और क्यों है, वो भी मुझे पता है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है। तो उसमें आप क्या करोगे कि भारत जो है आप थोड़ा सा स्टार्टिंग, मैंने कहा ना कि इसमें इधर इंट्रोडक्शन दो या तो कंक्लूजन दो, ठीक है, तो आप इसमें लिखिएगा कि जो संविधान है उसके हिसाब से भारत की जो व्यवस्था है वो संघीय बनाई गई है, और संघीय व्यवस्था में क्या क्या फीचर्स उसको आपको इंक्लूड करना है, जो मैंने अभी बोली उन सब चीज़ों को एक लाइन में कॉमा कर करके लिख देना कि ये इनसे पता चलता है कि भारत जो है वो एक संघीय व्यवस्था है। ये आपको के मान लीजिए अगर 3 पैराग्राफ है तो पहला पैराग्राफ में ख़त्म कर देना है, बाकी के जो 2 पैराग्राफ्स हैं उसमें आपको इसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन का मतलब है इसमें क्रिटिकली है, तो पहले नेगेटिव पक्षों को ज़्यादा रखना है और आखिरी में बैलेंस करके कंक्लूजन करना है, ठीक है। तो आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन छोटे से शुरू के पैराग्राफ में दे दी कॉमा कर करके, इन इन तथ्यों से हमको पता चलता है कि भारत एक संघात्मक ढांचा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कई ऐसे भी फीचर्स हैं प्रशासन की जिसमें हमको ऐसा लगता है कि केंद्र जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, जैसे कि जो अवशेषी विषय वस्तु होती हैं, भले ही यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है, भले ही शक्तियों का विभाजन है, पर जो आपके रेसिडुअल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर फैसला लेने का जो अधिकार है वो राज्यों के पास नहीं, वो केंद्र के पास होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जो आपकी एकीकृत न्यायपालिका है, उससे भी आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि ये फेडरल फीचर नहीं है। आप इंटीग्रेटेड जुडिशरी में यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जो एकात्मक प्रावधान है ना, जो एकात्मक विशेषताएँ हैं भारतीय प्रशासन की, उसके ज़रिए इसको काउंटर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यहाँ पे अगर रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन तो लचीला भी है, यहाँ पे इनडिस्ट्रिक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टिबल स्टेट, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे जो इमरजेंसी प्रोविजन है उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब आप उसकी आलोचना कर रहे हों तो जितने भी एकात्मक विशेषताएं हैं भारत की उसके ज़रिए आलोचना करिए कि भाई संघात्मक नहीं है पूरी तरह से। इन इन तथ्यों के जरिए हमको पता चलता है कि केंद्र जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, जबकि एक जो एब्सोल्यूट संघ होता है वहाँ पर राज्यों की ताकत ज़्यादा होती है। अमेरिका में देखेंगे आप तो वहाँ पर राज्य ज़्यादा शक्तिशाली है विशेषी विषय वस्तुओं पर, वो कहीं ना कहीं कानून बनाते हैं, केंद्र नहीं बनाता। लेकिन इंडिया में ऐसा संघ है जहाँ पर संघात्मक बंटवारा है ज़रूर, पर केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है राज्यों के कंपेरिजन में। तो बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा पहले फेडरल फीचर्स बताएं और इलेबोरेट करें यूनिटरी फीचर्स को, मतलब कि एकात्मक जो विशेषताएं उसको इलेबोरेट करके आप काउंटर करें कि इस तरह से हमको लग रहा है कि पूरी तरह से संघ नहीं है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली इस आंसर में फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स, संघीय जो विशेषता और एकात्मक विशेषताएं दोनों को बताना है, संघीय विशेषताएं कम एकात्मक विशेषताएं ज़्यादा, और एकात्मक विशेषताओं को इन संघीय विशेषताओं को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करना है, और आखिरी में निष्कर्ष करके बताना है आप आइवर जेनिंग्स, केसी वेयर किसी की भी स्टेटमेंट्स के हिसाब से इसको कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि ये एक क्वाजी फेडरल है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है यहाँ पर, ठीक है, या फिर इसमें आप कॉन्ट्रोडक्टरी फेडरलिज्म बोला जाता है। आप देखे होंगे कई ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिया है इंडिया को, किसी ने क्वाजी फेडरल बोला, किसी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला, ठीक है। उनकी डेफिनेशंस को ऐड करके आप बता सकते हैं कि भाई हम देख सकते हैं इस प्रकार से कि भले यहाँ पे संघात्मक विशेषताएं हैं लेकिन इन इन तथ्यों से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से संघात्मक नहीं है, अर्धसंघात्मक है, और यहाँ पे एकात्मकता की ओर झुकाव जो है इसका ज़्यादा है। तो ऐसा करके आप कंक्लूड कर दो, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो क्या क्या फेडरल फीचर्स हैं, फिर एकात्मक फीचर्स को ज़्यादा हाईलाइट करते हुए काउंटर करो, और आखिरी में एक दो लोगों के स्कॉलर्स के नाम लिखकर उन्होंने से क्या क्या संज्ञा दी है भारत के संघात्मक ढांचे को, उसका जिक्र करते हुए एग्जाम्पल देते हुए अपने आंसर को कंक्लूड कर दो, ठीक है, कि एकात्मकता की ओर झुकाओ ज़्यादा, आपको एक्चुअली में ये बताना है। इज दैट क्लियर? ठीक, सो ये था जो गिवन क्वेश्चंस था उसका एग्जैक्ट तरीका लिखने का। नॉलेज में डिटेल आपको नहीं बता रही, मैंने फिर भी कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। अब देखिए हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ही एक मैं एक एक ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, उसमें अगर आपसे पूछा है कि प्रस्तावना के कौन से शब्द भारत राज्य की प्रकृति को दर्शाते हैं, ये 2 मार्क्स में पूछा है तो आपने सिर्फ 5 शब्द बता दिए। यही क्वेश्चन अगर आपको 4 मार्क्स में पूछता तो उन 5 शब्दों के अलावा आप एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते कि 42वें संशोधन से 2 शब्द 3 शब्द ऐड किए गए जिस वजह से वर्तमान में इसकी 5 प्रकृतियाँ हैं।
अगर वो संशोधन नहीं हुआ रहता तो भारत सिर्फ एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि मतलब लोकतंत्रात्मक गणराज्य होता। वो दो शब्द ऐड हुए इसलिए ये पांच शब्दों से भारत की प्रकृति बताई गई। मतलब वो 42वें संशोधन का जो जिक्र है वो आप तब करते जब आप 4 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप मान लीजिए यही क्वेश्चन को आपको 8 मार्क्स में लिखना रहता कि इसे दर्शाइए, तो फिर ये मैंने कहा था ना एग्जैक्टली कंटेंट्स ऑफ वर्ड्स का, फिर आप ये जो पांच शब्द है ना उसको दो दो तीन तीन लाइन में डिफाइन करते, ठीक है, कि प्रियम्बल में ये पांच वर्ड्स जो हैं भारत राज्य की प्रकृति को बताते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत में प्रशासन की आंतरिक और बाह्य जितनी भी शक्तियाँ हैं वो इसके जो प्रशासनिक इकाई उसी के अंदर निहित है, मतलब सॉवरेनिटी को डिफाइन करी, फिर समाजवाद को डिफाइन करी, फिर आपका सेक्युलरिज्म को डिफाइन करिए, डेमोक्रेसी को डिफाइन करिए, रिपब्लिक को डिफाइन करिए, दो दो तीन तीन लाइंस में ऐसे करके आप डिफाइन कर दीजिए उसको और आपका ये 100 वर्ड्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए उसी को आपको 125 वर्ड्स में पूछता, सेम क्वेश्चन अगर 125 वर्ड्स में पूछता आपका, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या थोड़ा सा कंक्लूजन भी देना जरूरी है। आपका फ्रेम जो रहेगा, मैंने कहा ना हर टॉपिक को सिर्फ आप 100 वर्ड्स में प्रिपेयर करो, 125 आया तो इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन ऐड कर दो, 175 आया तो दोनों ऐड कर दो आगे पीछे थोड़ा सा, पर इन्फॉर्मेशन सिर्फ 100 वर्ड्स की होनी चाहिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लिखने पड़ेगी, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में से कोई एक चीज़, जैसे भारत में लोकतंत्र तो है पर वो प्रतिनिधित्व तरीके का लोकतंत्र है, यहाँ पर पंथ निरपेक्षता तो है पर वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म यानी सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है, उसके अलावा आप यहाँ पर जो समाजवाद है, समाजवाद यानी इक्वालिटी, जो सोशलिज्म है उसको आप इक्वालिटी से रिलेट करके बता सकते हो कि आप इक्वालिटी है पर इक्वल ट्रीटमेंट पर ज़्यादा फोकस ना करके ट्रीटिंग लाइक अलाइक यानी जो पहले से समान है उनके साथ समानता का व्यवहार करना, इस पर फोकस किया गया। मतलब समझ रहे हैं आप, आपने पहले 5 वर्ड्स को डिफाइन किया पर आपको इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में, जाहिर सी बात है जो मैं बता रही हूँ कंक्लूजन में आएगा, कंक्लूजन में उसके इंटरप्रिटेशन को बताना है, थोड़ी सी व्याख्या कर देनी है और कंक्लूड कर देना है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन थोड़ा फैंसी तरीके से भी कर सकते हो आप, 125 है ना तो दोनों में से कोई एक ऐड करना कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर एक देश की एक विशिष्ट पहचान होती है, ठीक है, एक राजनीतिक परिभाषा होती है, तो हमारे प्रस्तावना ने भी भारत की एक राजनीतिक प्रकृति को दर्शाया है और राजनीतिक तौर पर इसे परिभाषित किया है। इस तरह से आप थोड़ा सा फैंसी तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, फिर वो 5 वर्ड्स को ऐड कर सकते हो। अगर आपकी लाइन्स आपकी जो है बच रही हैं तब आप दोनों चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, वरना कोशिश करें कि कोई एक चीज़ रखें। इन्फॉर्मेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी अगर आपकी लाइंस जो हैं वो बच जाती हैं तो दोनों चीज़ ऐड करो, नहीं है तो कोई एक चीज़ तो ज़रूर ऐड कर दीजिए, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। तो ये तो रहे वो क्वेश्चंस और उसका एनालिसिस जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा मैंने जैसे अभी एक एग्जांपल बताया कि ये क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जा सकता है, वैसे ही ये क्वेश्चन भी हर तरीके से पूछा जा सकता है। जब 2 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछेगा तो फैक्चुअल होगा, और जब 8 और 10 मार्क्स में पूछेगा तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल होगा। टॉपिक वाइज अगर प्रोबेबल क्वेश्चंस देखें तो संविधान के निर्माण में आपकी जितनी समितियां होती है उन पर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, संविधान निर्मात्री सभा के गठन संगठन से ऊपर छोटे बड़े सभी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके जो अध्यक्ष हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। विशेषताएँ की बात करें तो याद रखिएगा सबसे वृहद लिखित संविधान, लचीला और कठोर, और तीसरी चीज कई जगहों से लिया गया संविधान, ये तो सबसे मेन विशेषता है। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आप ये 3 लिखेंगे। उसके अलावा जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जाएंगे जो धीरे धीरे आपको नंबर ऑफ जो स्पेशलिटीज हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जितनी चीज़ें आप पढ़ते मेरे ख्याल से 10 से 12 ऐसी विशेषताएं वो तब आप लिखेंगे जब आपका सबसे बड़े मार्क्स का आएगा, वरना अगर आपको कम मार्क्स में पूछ रहा है तो बस जो मैंने पहले 3 कहे उनको और एक आध को आप बस ऐड करेंगे, क्योंकि एक्चुअली संविधान की किताब की विशेषता वो 3 है। उसके बाद तो उसके जरिए जो भारत की प्रशासन की विशेषता है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो विशेषताओं के हर एक पॉइंट को अलग अलग भी डिटेल में डिस्कस करें, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की द्वारा प्रशासन की एक विशेषता है, ठीक है। विशेषताएं करके हमने उसको एक अलग से लिया, तो वो जो पूरे 10-12 विशेषताएं हैं उनके ऊपर आप अलग अलग से एक 100 वर्ड्स का, जैसे कि कठोर और लचीला संविधान या कुछ और, इस तरह से 100 वर्ड्स का एक नोट तैयार करके रखें, और उसके साथ ही साथ 2 मार्क्स के लिए भी तैयार रहें, ठीक। उसके अलावा प्रस्तावना में कभी आपको प्रस्तावना लिखने नहीं पूछेगा, पर प्रस्तावना में दर्शाई गई जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, मतलब प्रस्तावना में संविधान लिखने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, उद्देश्यों के बारे में बताइए। उसके अलावा संविधान में जो भारत राज्य की प्रकृति बताई गई प्रस्तावना में उसके बारे में बताइए,
या सब प्रस्तावना किसके तरफ से है, प्रस्तावना जो है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन और बनता है उसमें कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय है कि नहीं है या फिर संशोधनीय है कि नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना को किसने क्या कहा था, इस तरह की भी क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। समझना, मैं आपको बता रही हूँ कि इन टॉपिक से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंपॉर्टेंस पूछ सकता है हर चीज़ का, अलग से लेख पूछ सकता है। जो सबसे ज़्यादा इसमें से बनने के क्वेश्चंस हैं वो विशेषताएँ, क्योंकि हर एक विशेषता पे अलग अलग 125 वर्ड्स का भी आपका आंसर क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। बाकी फैक्चुअल चीज़ें जो ज़्यादा हैं वो ये फर्स्ट और थर्ड पार्ट से बनाई जा सकती हैं क्वेश्चंस के तौर पर। इज इट क्लियर? ठीक है, और क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे प्रोवाइड किए जाएंगे। फिलहाल आज का ये एनालिसिस वीडियो क्योंकि पहला था तो मुझे शुरू के कुछ टाइम आपको आंसर राइटिंग का पैटर्न बताना बेहद ज़रूरी था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो एग्जांपल्स हैं, पर आपको अगर स्ट्रक्चर आता है तो आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, आगे की वीडियोज़ में हम डायरेक्ट डायरेक्ट कंटेंट पर आएंगे और प्रोबेबल सभी तरह के क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। आपको अगर और भी कोई क्वेरी है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, कुछ और क्वेश्चंस हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में सकते हैं। सो होप यू लाइक टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। सो अगले वीडियो से हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को डील करेंगे और साथ ही साथ जो और प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं उस पर आएंगे, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें, आप वो वीडियो देखें, डिस्कशन कम्युनिटी में जाकर अपने आंसर्स अपलोड करें, एक दूसरे के आंसर्स भी देखें, ठीक। कुछ नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे आंसर्स लिखे थे, उन लोगों के मैं नाम यहाँ पे ज़रूर लेना चाहूँगी। आप उनके आंसर्स पढ़िए और अपने आंसर को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। राहुल वर्मा, मधुलिका दीक्षेना, शिवांगी केशरवानी, नितेश कुमार देवांगन, साक्षी मित्तल, निधि यादव, डॉली यादव, आशीष दुबे, स्वाति ताम्रकर और आकांक्षा पांडे, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखकर अपलोड किए थे। तो जो बाकी लोग अपलोड कर रहे हैं वो आप जाकर इनके आंसर्स भी देख सकते हैं। देखिए, ये आपका सेल्फ एनालिसिस है, आप एक दूसरे के आंसर्स से देखकर अपनी कमियों को सुधार सकते हैं और बाकी जो चीज़ें समराइज करनी है वो आपको वीडियोज़ में अवेलेबल करवाई ही जाएंगी। सो डू विजिट डिस्कशन पैनल ओवर द कंपटीशन कम्युनिटी वेबसाइट एंड पार्टिसिपेट एंड गिव योर आंसर्स देयर। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।